हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन सेंटर बेतपेजी में फिर से आपका स्वागत है न्यू अपडेट के साथ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आइए रुक करते हैं एक न्यू अपडेट की तरफ। ध्यान दीजिए, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग जो लास्ट डेट है आप लोग का 28 तारीख तक, ठीक है, इस फॉर्म को जितना जल्दी हो इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा, क्योंकि इस फॉर्म में आप लोग का कोई फीस चार्ज नहीं है। इस फॉर्म में आप लोग का कोई फीस चार्ज नहीं है, यानी कि जीरो फीस है इसमें। फॉर्म आपको ये बिलिंग काटने के लिए, जो आप लोग का मोबाइल द्वारा बिलिंग किया जाएगा, ध्यान रखिए, जो बिलिंग काटने के लिए आप लोग को ये वैकेंसी निकाली गई। हर पंचायत में एक लड़का को सिलेक्ट किया जाएगा, जो कि लॉटरी द्वारा आपको सिलेक्ट किया जाएगा। जो कैंडिडेट वो होंगे जो कि लॉटरी में अगर सिलेक्ट होंगे, उन्हीं को हर पंचायत में, एक पंचायत में रखा जाएगा, ठीक है। आइए फॉर्म को जान लेते क्या क्या इसमें मांग रहा है और कौन कौन सा आप लोग का डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिए, जो पावर होल्डिंग है, जो आप लोग का विभाग है, दो है, ठीक है, एक है SBPDCL और NBPDCL, ठीक है। इसमें साउथ वाला में देख लीजिए, साउथ में कौन कौन सा आपका आ रहा है, ये जिला है आप लोग का, अरवल हो गया, औरंगाबाद हो गया, बांका हो गया, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, गया, जमुई, जहानाबाद, आप लखीसराय, मंगूर, नालंदा और नवादा और पटना, रोहतास और शेखपुरा, जो कि आपको SBPDCL में आपको आ रहा है, ठीक है। जो कैंडिडेट भोजपुर के होंगे, पटना के होंगे, बक्सर के होंगे, तो SBPDCL डालकर हमको फिलअप कर लेंगे। और यहाँ पर आप देखिएगा, एक NBPDCL में देखिएगा, तो ये आप लोग का मुजफ्फरपुर, ध्यान रखिएगा, ये सब आप लोग का मुजफ्फरपुर होगा, जो कि यहाँ पर अररिया, कटिहार, ठीक है, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, आप लोग को तमाम इस पे आपको जिला को बताया गया है, ठीक है। तो चलिए फॉर्म को बारे में जान लेते हैं, कौन कौन सा आपका डॉक्यूमेंट अभी लगेगा, ठीक है। क्या कि आप लोग का फॉर्म जो है, आपका लास्ट डेट है जो 28 तारीख तक लास्ट डेट है, ठीक है। हम डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं भोजपुर, और यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, आप भोजपुर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आप लोग का ब्लॉक आएगा, ठीक है। ब्लॉक में आप लोग जो भी हो आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा, आप लोग का जो ब्लॉक होगा वो सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आप लोग का आरा सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आरा में आप लोग का हर एक पंचायत जो है आप लोगों का यहाँ पर दे दिया गया। देखिए यहाँ पंचायत है आप लोगों का, जो कि यहाँ पर पंचायत में आप लोग को ये को सेलेक्ट करना है, कोई एक आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद इस फॉर्म को आप लोग फिलअप करिएगा, ठीक है। इस फॉर्म में आप लोग का डॉक्यूमेंट में आपका नेम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, एड्रेस और नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो आप लोग का, ये सबको पता है, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग का नाम ही पता है, एड्रेस वगैरह आप लोग को देना है, ठीक है। और यहाँ फ़ोटो अपना अटैच कर दीजिएगा, और हाई क्वालिफिकेशन के बाद की जो आप लोग का इसमें वैकेंसी है, आप लोग का इंटर पास पे है, ध्यान देखिए, इंटर पास पे ही आप लोग का इसमें वैकेंसी दिया गया है, ठीक है। जिसके पास अगर हाई क्वालिफिकेशन तो वो भी डाल सकते हैं, ग्रेजुएशन है तो वो भी डाल सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन तो वो भी डाल सकते हैं, और यहाँ पर भी वो डाल सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आप कंप्यूटर नॉलेज, अगर जिनके पास अगर कंप्यूटर नॉलेज है तो और बेटर है आप लोग के लिए, जो कि बिलिंग होगा तो कंप्यूटर से ही होगा, ठीक है। तो जिसके पास कंप्यूटर है तो अपना यस कर दीजिएगा, इस पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है आपका। डीसीए हो, टैली हो, जो भी हो आपका, या डीसीए भी होगा तो आपको चलेगा, यानी कि आपको कोई भी कंप्यूटर का नॉलेज आपका होना चाहिए इसमें, ठीक है तो ठीक है, नहीं तो नो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप बैंक डिटेल और IFSC कोड, अकाउंट नंबर आपका होना चाहिए, यानी पासबुक आप लोग के पास होना चाहिए, जिसके कैंडिडेट का होगा इस बैंक का, आप अपना डिटेल भरेंगे, ठीक है। अपलोड योर आधार कार्ड और रेसिडेंशियल प्रूफ और यहाँ पर डालकर अपना सबमिट कर देना है, ठीक है। तो इस फॉर्म को आप लोग जितना जल्दी हो फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा, जो कि आप लोगों का लास्ट डेट है, आप लोगों का 28 तक इसका फॉर्म को लास्ट डेट दिया गया है, ठीक है। आपके पास समय कम है, इस फॉर्म को फिलअप करिएगा।
आज जो पंचायत में आप लोग सेलेक्ट करिएगा, जो जिसका पंचायत होगा वहीं उसमें आप लोग सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। और उसमें से आप लोग का एक को चुना जाएगा, जो लॉटरी के द्वारा आप लोग को चुना जाएगा, ठीक है दोस्त। इस फॉर्म को जितना जल्दी हो इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। थैंक्स।